ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस क्रस्कल वाल्स टेस्ट और एच टेस्ट। क्रस्कल वाल्स टेस्ट इज ए नॉन पैरामीट्रिक एनालॉग ऑफ इनोवा टेस्ट। एफ टेस्ट साडा पैरामीट्रिक है, जदों कि साडा क्रस्कल वाल्स टेस्ट जिहड़ा है वह बिल्कुल उस तरह का ही टेस्ट है, बट ये नॉन पैरामीट्रिक है। फॉर द डेटा, फॉर एनी वन वे क्लासीफाइड डेटा, द यूजल अनोवा टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द इक्वलिटी ऑफ सैवरल पापूलेशन मीनस इनोवा टेस्ट या एफ टेस्ट के असी डिफरेंट पापूलेशन का असी मीनस इक्वल है इसको टेस्ट करने यूज करते हैं। तो ये फंडामेंटल किहड़ी अजम्पशन के उपर बेस्ड है कि सारिया पापूलेशन जितों असी सैंपल ड्रा किया वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटड ने। एफ टेस्ट के लिए ये जरूरी है कि all the populations from which the samples are drawn are normally distributed, परंतु क्रस्कल वाल टेस्ट विच ये जड़ा है कंडीशन दी इस अजम्पशन दी लोड नहीं है। सैंपल जड़ा है वो मे नॉट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटड। क्रस्कल वाल टेस्ट नूं असीं यूज करते हैं टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस। साडे कोल के इंडिपेंडेंट सैंपल चाहिए ने, तो जो नंबर ऑफ सैंपल्स ने उन्हां दी गिनती तीन या तीन तो ज़्यादा चाहिए है, थ्री और ग्रेटर दैन थ्री सैंपल्स आर रिक्वायर्ड। फ्रॉम द पापूलेशन विच हैव बीन आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डज नॉट रिक्वायर द कंडीशन नॉर्मलिटी ऑफ पापूलेशन, पापूलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इस दी कंडीशन की लोड नहीं है, तो पापूलेशन आइडेंटिकल होनी चाहिए ने, तो नंबर ऑफ सैंपल्स जोड़े हैं वो तीन या तीन तो ज़्यादा होने चाहिए ने। क्रस्कल वाल्स टेस्ट एक एक्सटेंशन है किस टेस्ट की, मैन विटनेस टेस्ट टू केड़ियां सिचुएशंस जिस दे विच जड़ियां हैगियां ने दो जां दो तो ज़्यादा पापूलेशंस कंसिडर कीती गईयां ने, ते उन्हां दे रैंक जिहड़े ने वो उस दे बेस ते असीं इसनूं टेस्ट करदे हां। असीं नल हाइपोथेसिस की लवांगे कि जिहड़े के इंडिपेंडेंट सैंपल्स ने वो आइडेंटिकली डिस हैव बीन द के इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैव बीन ड्रान फ्रॉम पापूलेशन विच आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटड। इसते असी जिहड़ा है उल्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस की लवांगे, द के इंडिपेंडेंट सैंपल्स फ्रॉम विच द पापूलेशन विच हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटड आर नॉट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटड। नल हाइपोथेसिस मनते हैं कि जिहड़े के इंडिपेंडेंट सैंपल्स ने उन्होंने पापूलेशन तो ड्रा किए गए हैं जो आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटर ने, तो अल्टरनेटिव असी मानते हैं कि दीज आर नॉट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटर, और वी कैन से के मीन ऑफ आल द पापूलेशन आल द सैंपल्स आर इक्वल के सैंपल्स। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस लें कि घट्टो घट एक सैंपल का मीन जोड़ा है वो बाकी नालों डिफरेंट है। मान लो कि साढ़े को इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स ने जिन्हों का साइज हैगा एन आई, आईथ पापूलेशन तो जोड़ा सैंपल ड्रा किया है उसका साइज है एन आई, यानी कि एन वन एन टू एन थ्री अप टू के सैंपल ने साढ़े को करा असी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन करा, यानी कि टोटल का सम करा नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन, असी सारिया सैंपल ऑब्जरवेशन असी कंबाइन करके एक सिंगल सैंपल ऑफ साइज क्ढा। असी सारिया ऑब्जरवेशन असी कंबाइन सैंपल दे विच असेंडिंग ऑर्डर दे विच अरेंज करते हाँ, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैगनीट्यूड। अगे इन सारिया ऑब्जरवेशन एक असी रैंक असाइन करते हाँ, सब तो छोटी ऑब्जरवेशन छोटा रैंक, या सब तो वड्डी ऑब्जरवेशन सब तो पहला रैंक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, असी असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। सब तो छोटी नैचुरली सब तो छोटी जी ऑब्जरवेशन होएगी उसका रैंक पहला होएगा, उस तो वड्डी दूसरा तीसरा एंड सो ऑन। जेकर किसी क्योंकि दो ऑब्जरवेशन इक्वल भी हो सकदियां ने, इस करके उन्होंने रैंक दे टाई होएगी, तो उसते उसका ना रैंक करने लिए असी एवरेज रैंक कढ़ांगे। असी नैक्सट क्वेश्चन दे विच इस गल नूं डिस्कस करते हैं किहड़े किहड़े नोटेशन यूज करते हैं। एन आई की है आई सैंपल का साइज है, आर आई की है सम ऑफ रैंक्स है ऑफ आल द ऑब्जरवेशन ऑफ आई सैंपल, के है नंबर ऑफ सैंपल्स, तो एन है
एन वन प्लस एन टू प्लस एन के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के सैंपल्स, टोटल जिन ऑब्जर्वेशन ने इन आल द के सैंपल्स वो हैगा एन, सम ऑफ आल द ऑब्जर्वेशन इन डिफरेंट सैंपल्स। तो असं टेस्ट यूज करते हैं उस सिंबल यूज करते हैं असं एच, इसका नाम भी एच टेस्ट है, विच इज़ इक्वल टू 12 अपॉन एन इंटू एन प्लस वन इंटू समेशन आई इक्वल टू वन टू के इंटू आर आई स्केयर अपॉन एन आई माइनस 3 इंटू एन प्लस वन। इस थोड़ा सिंपली करके लिखिए तो इस समेशन आर आई स्केयर अपॉन एन असं एवं लिख सकते हैं, आर वन स्केयर अपॉन एन वन प्लस आर टू स्केयर अपॉन एन टू प्लस आर के स्केयर अपॉन एन के, क्योंकि समेशन है, समेशन मीन सम, किसका सम है आर आई स्केयर अपॉन एन एन आई माइनस 3 इंटू एन प्लस वन। दिस इज द सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। दिस इज अप्रोक्सीमेटली डिस्ट्रीब्यूटेड एज काई स्केयर वेरिएट, घट्टो घट जो है वह एन की वैल्यू 5 या 5 तो ज़्यादा होनी चाहिए है, यानी घट्टो घट हरेक सैंपल के 5 या 5 तो ज़्यादा ऑब्जरवेशन होनी चाहिए ने। तो असी की करते हैं कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एच न कंपेयर करते हैं टैबलेट वैल्यू ऑफ काई स्केयर एट डिजायर्ड लैवल ऑफ सिग्निफिकेंस से एट लैवल अल्फा। तो जेकर जो कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ एच है ने वो टैबलेट वैल्यू ऑफ काई स्केयर अल्फा तो ज़्यादा होंगे ने तो असं रिजैक्ट करते हैं एच नॉट नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज वी फेल टू रिजैक्ट एच नॉट। इस एजम्पशन की यूज़ करते हैं घट्टो घट 3 इंडिपेंडेंटली ड्रान सैंपल चाहिए ने तो हरेक सैंपल के घट्टो घट 5 ऑब्जरवेशन चाहिए ने, यह साड़ी बेसिक एजम्पशन है। नैक्सट है द पेरेंट पापूलेशन जिथों असी सैंपल्स असी ड्रा किए ने उन्होंने वो जरूरी नहीं है कि वह नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जेकर साढ़े को जड़िया है ऑब्जरवेशन ने लैस दैन 5 ने किसी सैंपल के तो असी दैन वी कैन नॉट यूज द काई स्केयर अप्रोक्सीमेशन, जी असी काई स्केयर अप्रोक्सीमेशन यूज़ करनी है ये असी यूज नहीं कर पावे। दैन वी नीड टू यूज स्पैशल टेबल्स फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ एच, तो असी कुछ स्पैशल टेबल यूज करते हैं जिहड़ा कि इस बुक के साडे सिलेबस नहीं है। नैक्सट है द टेस्ट स्टैटिक्स एच, जो असी फॉर्मूला असी लिखे एच टेस्ट वास्ते इन इक्वेशन 626.23 इज द रैंक वर्जन ऑफ एफ टेस्ट। इनफैक्ट एच इज द मेजर ऑफ वेरियंस ऑफ रैंक सम्स, जेडे रैंक्स ने डिफरेंट सैंपल्स के उन्होंने वेरियंस में मेजर करते हैं। असी समेशन आर आई कढ़न लई सी की करते हैं कि क्योंकि असी रैंक दिते ने कि सब तो छोटी वैल्यू नूं सब छोटी ऑब्जरवेशन असी रैंक 1 2 3 दिता है तो टोटल सम जिहड़ा होएगा रैंक्स विल बी इक्वल टू ऑफ एन रैंक्स विल बी इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन। ये असी ए पी वाला फॉर्मूला यूज किया तो फस्ट नैचुरल नंबर का एन नैचुरल नंबर का सम होंगे एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। एन की है टोटल नंबर ऑफ टोटल साइज है सैंपल का, तो इसका जो मीन होएगा मेन जिहड़े है रैंक्स ने वो आर आई अपॉन एन आई फस्ट सैंपल दे एंड सो ऑन एंड आर डबल बार विल बी इक्वल टू समेशन आर आई अपॉन समेशन एन आई दिस इज इक्वल टू एन प्लस, क्योंकि साढ़े को टोटल समेशन है इसकी वैल्यू असी पुट करिए आ वाली एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, तो इसकी समेशन एन आई समेशन एन आई है साडा एन असी डिवाइड करिए एन नाल एन नाल एन कैंसल हो गया कि बचे साढ़े को एन प्लस वन बाय टू। तो जी एक्सप्रैशन जी हैगी है आ वाली ये रिड्यूस हो जाएगी इनटू द एक्सप्रैशन एच इज इक्वल टू 12 अपॉन एन इनटू एन प्लस वन समेशन एन आई आर वन आर आई बार माइनस आर बार डबल बार स्केयर, ये हैगा वेटेड एवरेज सैंपल मीन, वेटेड एवरेज सैंपल मीन रैंक्स। तो असी इस तरह भी एच की वैल्यू कर सकते हैं। कस्कल वाल्स टेस्ट इज राइट टेल्ड, इफ द सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम आइडेंटिकल पॉपुलेशन दैन रैंक्स विल बी ईवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट सैंपल ग्रुप्स।
ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਈਵਨਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੈਂਕ ਲੋ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਈਵਨਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਈਵਨਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਫ ਦਾ ਸੈਂਪਲਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਰਾਨ ਫਰੋਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੈਂਕ ਵਿਲ ਬੀ ਲੋ ਇਨ ਸਮ ਸੈਂਪਲਸ ਐਂਡ ਹਾਈ ਇਨ ਸਮ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਪਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਚ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਸ ਹਾਇਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਈਵਨਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਚ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਸ ਸਮਾਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਰਜਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਚ ਵਿਲ ਲੀਡ ਟੂ ਦਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨਲ ਹਾਈਪੋਥੈਸਿਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲਸ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵਾਲ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਐਚ ਨੋਟ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵਾਲ ਟੈਸਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੇਲ ਟੈਸਟ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵਾਲ ਟੈਸਟ ਔਰ ਵਰਸਸ ਐਫ ਟੈਸਟ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ। ਇਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ਲ ਇਨੋਵਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕੰਪਿਊਟ ਮੀਨ ਐਂਡ ਵੇਰੀਅੰਸ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਸੈਂਪਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੇਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਨ ਅਤੇ ਵੇਰੀਅੰਸ ਆਫ ਦੀ ਸੈਂਪਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਫੀ ਨਮੈਰੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵਾਲਸ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਨੋਨ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀਅਰ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਨੋਵਾ ਟੈਸਟ। ਫਾਰ ਇਨੋਵਾ ਐਫ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦ ਸੈਂਪਲਸ ਆਰ ਮਸਟ ਬੀ ਨੋਰਮਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ, ਬਟ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵਾਲ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵਾਲ ਟੈਸਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਜ਼ ਐਫ ਟੈਸਟ, ਸੋ ਇਟ ਮਾਈਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਮੋਰ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨਲ ਹਾਈਪੋਥੈਸਿਸ ਟੂ ਬੀ ਰਿਜੈਕਟਡ। ਹੋਵਰ ਇਨ ਦਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵਾਲ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਪ੍ਰੂਵ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੈਨ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਫ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵਾਲ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਓਨਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਐਫ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਛ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵਾਲ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਫ ਟੈਸਟ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਰੈਂਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ ਸਮੇਸ਼ਨ ਟੀ ਅਪੋਨ ਐਨ ਇਨ ਟੂ ਐਨ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਫਾਰ ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਡ ਸੈੱਟ ਵੇਅਰ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਇਨ ਟੂ ਐਮ ਮਾਈਨਸ 1 ਇਨ ਟੂ ਐਮ ਐਮ ਪਲੱਸ 1 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਇਨ ਟੂ ਐਮ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 1। ਐਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੇਸ਼ਨ ਟੀ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਟਾਈਡ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਐਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟੀ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੀ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਸ਼ਨ ਟੀ, ਦੈਨ ਵੀ ਅਬਟੇਨ ਦਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਡਜਸਟਡ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਚ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਚ ਡੈਸ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਚ ਅਪੋਨ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ। ਫੋਰ ਲਾਰਜ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਂਕਸ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਐਂਡ ਕਮਰਸਮ ਅਨਲੈਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਏ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਜ਼ ਆਰ ਰੈਂਡਮਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਇਨ ਟੂ 3 ਗਰੁੱਪਸ ਆਫ 110 ਈਚ ਐਂਡ ਆਰ ਗਿਵਨ ਏ ਕੋਰਸ ਇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕਿੱਲਸ ਬਾਈ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਆਰ ਗਿਵਨ ਏ ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਸਕੋਰਸ ਆਰ ਐਜ਼ ਫਾਲੋਜ਼। 10 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੋਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਥਡ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ
64101 एंड सो ऑन, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड। दस की क्रिटिकल वॉयस टेस्ट यूज करेंगे टू डिटरमाइन एट 5% लेवल ऑफ सॉरी अल्फा की वैल्यू 5 है इफ देयर इफ द थ्री मेथड्स आर इक्वली इफेक्टिव। अस चेक करना है कि ये तीनों मैथड इक्वली इफेक्टिव है कि नहीं। हूँ असी टोटल असी देखिए टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है N1 है N1 10 पहले मैथड दी टोटल ऑब्जर्वेशन 10 N2 है 10 N3 है 10 तो टोटल N हैगा N इक्वल टू टोटल N विल बी इक्वल टू जिवें असी पिछले डिस्कस किया प्रोसीजर के N विल बी इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 तो टोटल जोड़ा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा 10 प्लस 10 प्लस 10 30 तो 30 ऑब्जर्वेशन साढ़े को असी इस रैंक देवे सारिया असी कंबाइंड जोड़िया है टोटल ऑब्जर्वेशन ने टोटल 30 ने तो टोटल 30 ऑब्जर्वेशन असी असेंडिंग ऑर्डर च लिखा जिम्मे असी इस पढ़िया कि असी की करना होंगे फस्ट असी कंबाइन आल द सैंपल ऑब्जर्वेशन टोटल असी देखेंगे टोटल सैंपल साइज तो उन्होंने असी अरेंज करांगे इन द कंबाइन सैंपल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैगनीच्यूड तो असी इन्हों असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं सब तो छोटी ऑब्जर्वेशन है 56 फिर 61 64 एंड सो ऑन सारिया टोटल 30 दिया 30 ऑब्जर्वेशन असी एक टेबल च लिखिया तो टेबल दे विच असी इन्हां दे असेंडिंग ऑर्डर लिखिया सब तो वड्डी सब तो छोटी ऑब्जर्वेशन पहला एंड सो ऑन असेंडिंग ऑर्डर सब तो लास्ट जी साड़ी है 125 है असी रैंक असाइन करांगे सब तो छोटी ऑब्जर्वेशन उसी पहला रैंक फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पंजवा फिर छेवा फिर सत्तवा अठवा हुण ये दो ऑब्जर्वेशन जिहड़ियां हैगियां ने 87 87 ये दो सेम ने इन्हां विचकार टाई है तो इन्हां दी जिहड़ी मीन असी रैंक कढ़ांगे जेकर इसका रैंक 8 है इसका 9 इसका की होना चाहिए 10 ठीक है बट ये दोनों इक्वल इस करके इन दोहां दा मीन रैंक जिहड़ा आएगा वह आएगा 9 प्लस 10 9 प्लस 10 अपॉन 2 यानी कि 19/2 9.5 9 पॉइंट इन दोहां दा रैंक होएगा 9.5 9 पॉइंट अगे 9 10 हो गया इहदा 11 होएगा फिर 12 12 इहदा 12 होना चाहिए सीगा इहदा 13 ते इहदा 14 परंतु ये तीनों इक्वल इस करके तीनों असी मीन कढ लेंगे 12 प्लस 13 प्लस 14 ये टोटल आ गया 39/3 39/3 13 आ गया इस करके इन्हों का एवरेज मी रैंक जोड़ा है वो 13 है इस करके तीन का 13 लें फिर 14 तो बाद 15 होना चाहिए सी इसका होना चाहिए 16 दो 90 ने इन दोहों का 15 तो 16 रैंक होना चाहिए सी परंतु दोनों ऑब्जर्वेशन इक्वल ने तो इन्हों का एवरेज रैंक की होएगा 15 प्लस 16/2 यानी कि 15.5 15.5 15.5 इसका 17 18 19 20 एंड सो ऑन असी सारे का रैंक असाइन करते हैं जेकर दो वैल्यूज इक्वल ने ऑब्जर्वेशन तो उन्होंने जोड़ा है एवरेज रैंक कटा जाएगा साढ़े को तीनों सैंपल्स तीनों घट्टो घट्ट तीन साढ़े को सैंपल ने तिना का नंबर ऑफ जिहड़ियां ऑब्जर्वेशन सेम ने 10 है तिना सम है साढ़े को 30 के दी वैल्यू है यानी कि नंबर ऑफ सैंपल साढ़े को तीन ने आर ए सम ऑफ रैंक्स ऑफ द सैंपल ऑब्जर्वेशन इन मैथड ए मैथड ए दे विच असी सारिया जिन्निया भी ये ऑब्जर्वेशन है इन सारिया का रैंक का सम कढ़दे आ इस दे सब तो छोटी पहली ऑब्जर्वेशन हैगी है 64 64 का रैंक देखो किन्ना 3 तो 3 लिखिया उस तो नैक्सट ऑब्जर्वेशन जिहड़ी हैगी है 79 इस दे विच छोटी उस तो 64 तो वड्डी जिहड़ी हैगी है नैक्सट 79 का रैंक है साढ़े को इतने 6 6 एंड उस तो बाद जी इस तो नैक्सट जी आ रही है वो 85 है इस दे आप ही 85 का जो रैंक होएगा वो हैगा 8 तो असी मैथड ए दे विच जिन्निया भी ऑब्जर्वेशन हैगियां ने उन्हां सारिया दे रैंक कितों देखांगे स्टेबल तो
कि स्टेबल तो रैंक देखने तो बाद उन्हां सारयां दे रैंक नूं असीं ऐड कर देंगे। सिमिलरली जिहड़ा है मैथड बी दे जिहड़े हैगे ने रैंक जिवें 80 61 है, इस दे सब तो छोटी ऑब्जरवेशन 61 दा रैंक है 2, ठीक है जी। उस तो बाद नैक्सट जिहड़ी हैगी है वह 75 है, 75 दा रैंक है 4। तो असीं इहनां सारियां रैंक्स नूं असीं ऐड करांगे, तो इन रैंक्स नूं असीं ऐड करके टोटल जिहड़ा है आर बी आएगा, सम ऑफ रैंक्स ऑफ सैंपल ऑब्जरवेशन फॉर मैथड बी। एंड सिमिलरली आर सी यानी कि मैथड सी दे विच सारियां ऑब्जरवेशन दा जिहड़ा रैंक है इस टेबल तो देख के असीं उन्होंने ऐड करांगे, दिस विल बी इक्वल टू आर सी। हुण असीं नल हाइपोथेसिस साडा की है कि इन तीनों मैथड का जिहड़ा इक्वली इफेक्टिव ने, यानी कि इन्हों का मीन सेम है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की है कि घट्टो घट्ट जिहड़ियां हैगियां ने दो दा मीन डिफरेंट होएगा, यानी कि तीनों मैथड आर नॉट इक्वली इफेक्टिव। ये साडा सिग्निफिकेंस लैवल से लैंदे आ 5%, 5% का मतलब है कि 5/100, यानी कि अल्फा की वैल्यू 0.05, यानी कि असी 5% लै रहे हैं अल्फा। 5% का मतलब है 0.05, यह है साडा अल्फा की वैल्यू। तो क्रिस्कल वाल टेस्ट असी फॉर्मूला अप्लाई करिए, 12/(n)(n+1) r1²(n1+r2²(n2+r3²(n3) -3(n+1) विच इज इक्वल टू chi²(k-1)। असी ये सारिया वैल्यूज पुट करिए, n साडे कोल 30 है, r² r यानी कि 61 है साडे कोल, r 61² / 10, आर बी साढ़े को है 159² / 10, 145² / 10। इन्हों से स्केयर कर दो, स्केयर साढ़े को वैल्यू आ गई, सम ऐड कर दो, साढ़े को इस कैलकुलेट करिए, इस दी वैल्यू एन दी वैल्यू 30 है, तो 30+1 31 आएगा। टोटल कैलकुलेशन तो बाद साढ़े को जी वैल्यू आ रही है वो एच डी आ रही है 0.196। तो के माइनस टोटल नंबर ऑफ सैंपल साढ़े को है डी एफ विल बी इक्वल टू k-1 इज इक्वल टू 2-1 3-1 2। क्रिटिकल जी वैल्यू है काई स्केयर की फॉर 2DF एट 5% लैवल इज गिवन बाय ए टेबल तो लई है काई स्केयर की इस सिग्निफिकेंट लैवल से 0.05। ये असं काई स्केयर का टेबल देख के उस तो देखा, कैलकुलेट वैल्यू जी है वो 0.196 है विच इज़ वेरी वेरी मच स्मॉलर दैन द टैबुलेटड वैल्यू, क्योंकि काई स्केयर की वैल्यू 5.991 आ रही है, बट एच की वैल्यू जी है बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। दिस मीन दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट एंड वी फेल टू रिजैक्ट एच नॉट, क्योंकि एच नॉट की समा असी देखते हैं पढ़िया सीगा कि जेकर एच की वैल्यू एज कंपेयर टू काई स्केयर बहुत घट है तो असी जिहड़ा है इसनों रिजैक्ट नहीं कर पावांगे, तो जेकर साडे कोल एच की वैल्यू एज कंपेयर टू काई स्केयर ज़्यादा है दैन वी रिजैक्ट द एच नॉट। Hence we conclude that all the three methods of training are equally effective, क्योंकि एच की वैल्यू जी है वो स्मॉल आ रही है एज कंपेयर टू काई स्केयर, असी एच नॉट नू रिजैक्ट नहीं करांगे, एच वन रिजैक्ट करांगे, दैन वी एक्सैप्ट एच नॉट, यानी कि आल द मैथड आर इक्वली इफेक्टिव। तो स्टूडेंट ये एच टैसट, इस दे नाल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जिहड़ियां हैगियां ने मैं तुहानूं बुक डिस्कस दित्ती सीगी, उस दे विचों तुसीं जीरोक्स करवा लईआं ने, ते इस दे प्रैक्टिस लई काफ़ी सब जिहड़े सम है ओह दित्ते होए ने, ओह तुसीं ओह प्रैक्टिस करने ने। हुण आपां जिन्ना चिर साडे एग्जाम जिहड़े हैगे ओह नहीं उसदी डेट शीट वगैरह नहीं आ रही आंदी तां उन्नी देर तक आपां डिफरेंट टैस्ट ते घट्टो घट्ट एक एक जां दो दो सम हुण असीं दोबारा तो फिर असीं डिस्कस करांगे। असी कल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिन्नी तीन डिस्ट्रीब्यूशन साड़ियाँ उन्होंने तीन डिस्ट्रीब्यूशन के सम, उस तो बाद जे है टैसट साडे पैरामीट्रिक नॉन मेर पैरामीट्रिक टैसट जी है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तुम्हें किमें सॉल्व करनिया ने उस डिस्कस करेंगे। तो
स्टूडेंट थैंक यू।